ईहन, एक अनोखी शख्सियत, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन। उन्हां नूं अज साडे तों विछड़े होए पूरे 11 साल हो गए हन, पर अज भी वो कथावां राही संगतां दे हिरदे विच वास कर रहे हन। निर्माणता ते प्यार विच भिज्जी होई वो तुरों वरसाई एक महान रूह सी, जो इस संसार विच लोकां नूं अकाल पुरख नाल जोड़न लई आई सी। उन्हां दे ज्ञान ते विचारां ने कईयां दी जिंदगी बदल दित्ती, ते अज वी उन्हां दे देहिक रूप विच ना होण दे बावजूद लोकां दा जीवन चमत्कारिक रूप विच बदल रहा है। अज ही दे दिन 18 फरवरी 2005 नूं इटावा शहर विच सवेरे 7:30 बजे अपना शरीर त्याग के अकाल पुरख दे चरणा विच जा बिराजे। उन्हां दे जान दे बाद ना पार सकन वाला काटा ते खालीपन अज तक सारे संसार विच महसूस कीता जांदा है। मस्कीन जी का जन्म 15 अक्तूबर 1934 नूं जिला बन्नू, तहसील लक्की मरवत, मौजूदा पाकिस्तान विच माता राम कौर जी ते पिता करतार सिंह जी दे ग्रह विच होया। एक वड्डी भैन सुजान कौर जी ते छोटे भरा अमरजीत सिंह जी सन। बचपन दी बड़ी छोटी उम्र तो बैरागी हिरदे दे मालक सन मस्कीन जी, जिस करके उन्हां दे विच शायरी ते कवितावां दे भाव मौजूद सन, ते ओ समय समय अपने जीवन काल विच शायरी ते कवितावां लिखदे रहे। ओ नितनेम देवी बड़े पक्के सन। उन्हां नूं 12 साल दी उम्र विच देश दी वंड तों गुजरना पिया। बाकी होर परिवारां दी तरह उन्हां दा परिवार भी हिंदुस्तान आ गया, जिथों उन्हां नूं अलवर शहर राजस्थान भेज दिता गया। अज अलवर शहर सिख पंथ विच उन्हां दे नाम नाल जानिया जांदा है। पढ़ाई दा बहुत शौक सी ते तेज दिमाग होण दे बावजूद भाषा अलग होण करके मुड़ के पढ़ाई शुरू ना कर सके मस्कीन जी। भविख दी चिंता अते रोजगार करके कम करना शुरू कीता, पर किसे भी थां 5-6 महीने तो ज्यादा काम ना कर सके। व्याकुल मन व्याकुल ही रहा। एक अगम्मी चाह दी तलाश विच बैरागी हिरदा शांत ना होया। अते एक दिन माता पिता नू सुत्ता छड़ के घरों निकल पाए। ए शायरी शायद उदों ही उना दे हिरदे विच्चों निकली होएगी। उड़ते हुए परिंद की परवाज की तलाश है, गुम हो चुकी जो रूह में उस आवाज की तलाश है। तारीकियों में बरक और संजीदगी तूफान में बज रहा जो अजल से उस साज की तलाश है। इत्थों ही शायद उना दे अध्यात्मिक सफर दी शुरुआत हुई। भरतपुर, मुंबई, नासिक, गोदावरी, तपोवन, जिथे आप जी 3 महीने गुरु मंत्र दा जाप ते पाठ करदे रहे, उत्थों होंदे होए फिर झांसी पहुंचे। उत्थे उन्हां ने अपनी जिंदगी दी पहली कथा आरंभ कीती। आप जी प्रचार श्रेणी विच किसे रब्बी तड़प करके आए सन, पर ए ही उन्हां दी उपजीविका बन जाएगी ए कदी सोचिया भी नहीं सी। इसे दौरान एक दिन बनारस विच आप जी दी भेट बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले नाल होई, जिन्हां दा जिक्र वो अक्सर अपनी कथा विच करदे सन। घर दी याद अते बाबा जी दे हुकम अनुसार लंबे अरसे बाद मस्कीन जी अलवर वापस आए, जिथे उन्हां नूं पता चलिया कि उन्हां दे पिता जी गुजर चुके सन ते भैण दी शादी हो चुकी सी। आप जी दा आनंद कारज सरदार हरनाम सिंह जी दी सेवा भावना वाली बच्ची सुंदर कौर जी दे नाल सन 1957 विच होया।
अकाल पुरख ने सिमरन ते सेवा दा मेल कराया, जिस करके इना दो महान रूहां दे मिलन दे संजोग प्रकट होए। मस्कीन जी दी असरदार कथा शैली करके उना दा संगतां विच प्रभाव वधदा गया। मैं अकेला ही चला था राहे उल्फत में, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। वड्डे सुपुत्तर अमरजीत सिंह जी दे जन्म तो बाद सन 1961 विच आप जी ने गुरमत समागम अलवर विच शुरू कीता सी, ते ओ बड़ी श्रद्धा नाल हर साल परमात्मा दी सौगात समझ के चलांदे सन, जिथे कथा ते कीर्तन दियां अगम्मी नदियां वगदियां सन। उथे ही माता सुंदर कौर जी पूरन तौर ते अपनी सेवावां दे फुल भेट करदे सन। अज भी 1, 2 ते 3 मार्च नूं उनां दे परिवार वालों उस ही रूप विच गुरमत समागम चलाण दी कोशिश कीती जांदी है, जो हुण उनां दी मिठी याद विच तब्दील हो गया है। अज भी संगतां उनां दे प्यार विच खिचियां होईयां दूरों नेड़ियों अलवर पहुंच के उनां नूं शरदा दे फुल भेट करदियां हन अते अध्यात्मक आनंद लैंदियां हन। अज भी इस तरह महसूस होंदा है कि ओ समागम विच आप मौजूद हन। टूटे हुए साज में आवाज बाकी है, पर शिकस्ता में अभी परवाज बाकी है। बुझ चुकी कब की शमा ए मस्कीन, मगर फिर अभी जलने का अंदाज बाकी है। मस्कीन जी दे कोल आत्म अनुभव सी, जिसनू ओ शब्द परमान ते दलीला राही पेश कर दे सन। कथनी ते करनी दे सूर में सन, इसे करके उना दी कथा दा असर जादू दी तरह हुंदा सी, समा जिमें रुक जांदा सी। अज भी जद उना दी गल चलती है ते अखां पर आउंदियां ने, क्योंकि जो भी उना नू मिलिया उना दे जादुई प्रभाव तो अछूता ना रह सकिया। चिरागे राह बनेंगे एक दिन नक्शे कदम मेरे, अभी तो मैं गुमराह मालूम होता हूं। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। लभद छोटी है, परमात्मा दे देन दे च कमी नहीं, कमी नहीं। तेरी पात्रता छोटी है, अपनी पात्रता वधा, अपना भांडा जो है वड्डा कर। मैनू बचपन दे च रुबाइया लिखण दा शौक सी, 250-300 दे करीब ने छपाण दी कोशिश कर रहे हैं, उर्दू दियां ने ते कुछ पंजाबी दियां ने। इस संबंध च मैं पंजाबी दी थानू रुबाई सरवण करावां। मैं मंगिया एक फुल तू गुलिस्तां सजाए, मैं मंगिया एक फुल तू गुलिस्तां सजाए, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाए, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाए। मैं मंगा हनेरे च जीवन दी ज्योति, लखां तेरी रहमत ने दीवे जगाए। मैं ते एक फुल ही मंगया से, तू बगीचा मेरे हवाले कर दिता।
मैं तो एक बूंद तेरे कोल मंगी सी, तू सागर उड़ेल के रख दिता है। मैं तो किधरे एक जलदा होया दीवा मंगया सी, मैनू रस्ता दिस पवे, तू हजारां दीवे जला दिते। परमात्मा का देना सदा ज्यादा है, सदा ज्यादा है, सदा ज्यादा है। मनुख की पात्रता हर वक्त छोटी है, हर वक्त छोटी है, हर वक्त छोटी है। और थोड़ा मिले है, पांडा छोटा सी। दरिया ने उस बीबी ने आख्या, गिला ना कर, भांडे वड्डे लेके आ, मैं भर रहा। अपनी पात्रता वधा, जो मैनू नहीं मिलिया वह मेरी पात्रता ही नहीं है, गिला करन दी लोड़ ही नहीं। मैनू नाम रस की प्राप्ति नहीं हुई, मैनू गुरबाणी का रस नहीं प्राप्त होया, अजे अपने आप नू योग ही नहीं बनाया। पहले जिवें गुरु कहिंदा उस तरह से बनन की कोशिश करो, तरह तरह की तर्क तो पहले की हुई है, बाणे नाल की होवेगा जी, केस रखण नाल की होवेगा। कौन कहिंदा केस रखो, केस तो रब ने रखे हुए ने, वो नहीं बनाए ने, कोई रखने थोड़ी ने। बाकी तो असी रखांगे, जो कोई धारण करना है धारण करांगे, केस धारण करने थोड़ी ने, तो रब ने दिते, प्रभु दी देन है, ईश्वरी देन है। और ये साफ कह देता है भाई साहब भाई नंद लाल ने, निशाने सखी ही पंज हरफ काफ, के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ, कड़ाकार दो काच कंगा बिना। बड़ी कीमती पंक्ति, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। केस ते कोई नहीं कड़ा है, केस ते कोई नहीं कछहरा है, केस ते कोई नहीं, ते कंगा जे विच हैगा। केस ते कोई नहीं कृपान पाई है, लाड़े भी पा लैन, ब्याह शादियां च मैं देखे है हर कौम दे लाड़े भी पा लैन। भाई नंद लाल कहने लाड़ा ही कोई नहीं, तेना बरातियां नू की करिए, केस ही कोई नहीं, ये बाकी चार रहता प्रवान नहीं ने। भाई साहब भाई नंद लाल, अगर केस नहीं ने तो बाकी चार रहता धारण कीतियां हुई ने। पंक्ति ध्यान नाल सुनना, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। ये जिहड़ियां बाकी निशानियां ने केसा तो बिना प्रवान नहीं ने, केसा करके ही इन्हां दी शोभा है, केसा करके ये प्रवान होणगे उंज नहीं होणगे। कड़ा तो अज सारी दुनिया ने पा लिया, मुसलमाना वीर ने पाया, क्रिश्चन लोगों ने पाए ने कड़े। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान, बिना केसा तो ये जुमला निशानियां, ये चार निशानियां परवान नहीं, कबूल नहीं। तू तो निकी निकी तर्क करदा पिया, अपनी पात्रता ते बना, पहले कबूल ते कर गुरु मेरे नाल अगे है। और गुरु ने जो कुछ मैनू दिता है मेरी भलाई लई दिता है, मेरे अध्यात्मक विकास लई दिता है, पहले इतना ते भरोसा बना, पहले इतनी ते गुरु दे उत्ते जो है श्रद्धा लिया। जो कुछ मैनू नहीं मिलिया अजे मेरे कोल बांडा नहीं सी, बस इन समझ मेरी पात्रता नहीं सी।
धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज महरामत करन, जिन्हां दी संरचना दे विचार कुछ संगतां दे मंग मुताबक थोड़े सामने आरंभ कीती सी। इंज कह लो मेरा समा समाप्त, मेरी कथन शक्ति समाप्त, मेरी सोचन शक्ति दी समाप्ति, इन्हां चार लावां दे विचारां दी समाप्ति नहीं है। ये मैं अर्ज करां क्योंकि वधाई ते वध है, ये ते वध है। जिथे भी कथा मनुख समाप्त करता है, एक कथावाचक दा समा समाप्त होंदा है, उहदी सोचन शक्ति समाप्त होंदी है, उहदी कथन शक्ति समाप्त होंदी है। गुरु दा शब्द समाप्त नहीं होंदा, शब्द दी विचार समाप्त नहीं होंदी। धन गुरु रामदास जी महाराज ने जितनी कृपा की थी, जितनी बख्शिश की थी, थोड़े सामने रखी है। अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चरण च, सुन के निष्कर्म अवस्था नूं तुसी प्राप्त करो, सुना के मैं प्राप्त कर सकां। मैं थोड़े लिए अरदास करां, तुसी मेरे लिए अरदास करो, और इस तरह सारियां दी जीवन यात्रा सफल होवे। बार बार सारियां दा धन्यवाद। बोल चुक दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का।